ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दर्पण फटाफट के प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें, और ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। वक्त हो चला है दर्पण फटाफट का। गुरुग्राम के एमजी रोड पर चेकिंग के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस वाले को फॉर्च्यूनर गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी के चालक को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद जांच में जुट गई है। बवाना सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक वेद प्रकाश ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और 23 अगस्त को होने वाले बवाना सीट पर चुनाव में बीजेपी ने वेद प्रकाश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली के एक सभागार में एक नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसकी थीम रखी गई थी माइक। इस नाटक को प्रस्तुत करने वाले सफेद पेंट और काली पोशाक पहने ये बच्चे मूक और बधिर हैं, यानी कि ये बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में चोटी कटने के मामले लगातार जारी हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों से चोटी कटने के मामले सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर पुलिस भी परेशान नजर आ रही है। गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस ने डीएलएफ के पास बने पार्थ अपार्टमेंट में एक मुखबिर की सूचना पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने 460 लीटर नकली शराब बरामद की। इसके साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल भी बरामद किए। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में एक स्कूल में चौथी क्लास के बच्चे की मौत के बाद से स्कूल पर शिकंजा कसना चालू हो गया है। दरअसल परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बल्लभगढ़ से पुलिस ने गर्भपात करा रहे एक सरकारी डॉक्टर को अपनी गिरफ्त में लिया है। दरअसल ये डॉक्टर रिटायर होने के बाद अपना खुद का नर्सिंग होम चला रहा था, जहां पर ये नाजायज रूप से महिलाओं का गर्भपात कराता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों के लिए अजीम मलिक ने एक गीत लिखा है। इस गीत की शूटिंग दिल्ली के एक रिजॉर्ट में हुई। इस गीत में मुख्य अभिनेता सांवर अली और इसके साथ में अभिनेत्री रूपक खुराना काम कर रही हैं। ये वीडियो 12 अगस्त को रिलीज होगा। सेक्टर 22 से एक 12 साल की बच्ची के घर से गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, लेकिन पुलिस अभी 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसमें ढिलाई बरत रही है, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन जहांगीरपुरी थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला की गुमशुदगी में थाने आए एक युवक ने बाथरूम में अपने गमछे से लटक कर आत्महत्या कर ली। युवक कासगंज का रहने वाला था। युवक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है। फिलहाल दर्पण फटाफट में इतना ही। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.dillidarpantv.com पर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dillidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर